Now next topic is rate of chemical reactions. अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट यानी क्या होता है, व्हाट इज रेट? तो हम बोलते कुछ रिएक्शन को समय लगता है, स्लो होता है, कुछ रिएक्शन एकदम फास्ट होती है, ठीक है। तो स्लो होना, फास्ट होना, ज्यादा टाइम, स्लो होना मतलब ज्यादा टाइम ले रहा है वो रिएक्शन होने के लिए, और फास्ट है मतलब कम टाइम में हो रहा है। तो ये जो टाइम रिक्वायर्ड है इसी को बोलते हैं रेट, जल्दी, फास्ट, स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्टिव, कौन सी स्पीड से ज्यादा हो रही है रिएक्शन, स्पीड से हो रही है, स्लो हो रही है, स्लो हो रही रिएक्शन या फास्ट हो रही, इसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो डिफरेंट रिएक्शन और डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डिफरेंट रेट रहेगा अलग अलग रिएक्शन का। इवन एक ही टाइप की रिएक्शन है उसको भी अलग अलग कंडीशन अगर रहेंगी तो अलग अलग उसका रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा आगे देन में, इसकी स्पीड अलग है, कभी स्लो होगा तो कभी फास्ट होगा, एक ही रिएक्शन वो भी कंडीशन के हिसाब से, अगर कभी कंडीशन उसके कंडीशन हम चेंज कर देते हैं तो जो रिएक्शन फास्ट हो रही वही रिएक्शन कभी कभी क्या होगी, स्लो भी होने लग जाए। अब फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में कुछ आपको क्वेश्चन पूछा कि कौन सी हम रिएक्शन है उसको कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से हमें मेंशन करना है। तो देखो आपके बुक में वहां टेक इनटू अकाउंट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग प्रोसेसेस, क्लासिफाई देम इनटू टू ग्रुप्स एंड गिव टाइटल टू द ग्रुप्स, ठीक है। तो दो ग्रुप में हमें डिवाइड करना है, एक फास्ट रिएक्शन और एक स्लो रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहां कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन, जो कुकिंग गैस होती है सब जलाते हैं कुकिंग गैस, तो हम इग्नाइट करते उसको, जो लाइटर से उसको बर्न करते तो तुरंत होता है, इधर लाइटर हम ऑन करते हैं तो गैस जलना स्टार्ट हो जाता है। तो रिएक्शन कैसी है, फास्ट रिएक्शन हो रही है। आयरन आर्टिकल अंडरगो रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे को जंग लगना, ठीक है, जंग, बस आज उसको एक्सपोज कर दिया हमने एयर में, मॉइस्चर में, तो आज के आज जंग चल जाता है क्या, नहीं, ये कैसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, टाइम लगता है, ठीक है। तो ये होगी स्लो प्रोसेस, पहले होगी फास्ट प्रोसेस, दूसरी होगी स्लो, हमें फास्ट और स्लो में क्या करना है, डिवाइड करना है जो वहां पर प्रोसेसेस दिया हुआ है। एरोजन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म सॉइल, सॉइल एरोजन ऑफ रॉक्स यानी रॉक्स का इरोजन होना, घिसना, ठीक है। तो रॉक का घिस के सॉइल बनेगी, लेकिन क्या एक दिन में हो जाएगा, नहीं, उसको भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो स्लो प्रोसेस। अल्कोहल इज फॉर्म ऑन मिक्सिंग ईस्ट इन ग्लूकोज सोल्यूशन अंडर प्रॉपर कंडीशन, तो ये भी स्लो प्रोसेस है, एकदम से नहीं होगा। अल्कोहल इज फॉर्म ऑन मिक्सिंग ईस्ट, तो ईस्ट की जब तक रिएक्शन होगी तो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, इमीडिएट नहीं होगा। इफरवेसेंस इज फॉर्म ऑन एडिंग बेकिंग सोडा इन टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डायलूट एसिड, तो बेकिंग सोडा हम डायलूट एसिड में डालेंगे तो इफरवेसेंस तैयार होते, तो ये फास्ट प्रोसेस होगी। A white precipitate is formed on adding dilute sulfuric acid to the barium chloride solution. तो ये भी थोड़ा सा रेट इसका ज्यादा है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, ये जो एग्जाम्पल्स है 5-6 एग्जाम्पल, तो क्या हमें शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जो रिएक्शन है वो फास्ट हो रही है, जल्दी हो रही है, कुछ स्लो हो रही है, कुछ बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, ठीक है, कुछ बहुत ही फास्ट होती है, कुछ फास्ट है मतलब जल्दी होती है, कुछ बहुत ही जल्दी होती है इमीडिएटली हो जाती है, कुछ एकदम ही स्लो होती है और कुछ स्लो होती है आगे जाने। तो अलग अलग जितने भी डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग अलग होता है। अब यहां पढ़ने वाले इस चैप्टर में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है, क्योंकि एक ही रिएक्शन भी अलग अलग रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन तो अलग होता ही है, लेकिन सेम रिएक्शन में भी रेट ऑफ रिएक्शन अलग हो सकता है अगर कंडीशन चेंज हो जाए तो। फॉर एग्जाम्पल आपकी इसमें दिया है और बुक में देखो, द सेम रिएक्शन ऑकर्स एट अ डिफरेंट रेट ऑन चेंजिंग द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग विंटर लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग मिल्क इन टू कर्ड, तो विंटर में आपने देखा होगा मिल्क से हम क्या बनाते, कर्ड बनाते, दही बनाते, तो विंटर के सीजन में दही बनने को ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि ठंडी ज्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है। वही वाइल एट द हायर टेम्परेचर ड्यूरिंग समर द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ मिल्क इंक्रीजेस एंड द कर्ड इज फॉर्म अर्ली, और गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जल्दी ही कर्ड बन जाता है, ठीक है, दूध से जो दही बनने का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। तो कंडीशन क्या है, टेम्परेचर, तो कुछ रिएक्शन है, रिएक्शन एक ही है मिल्क का कर्ड में कन्वर्शन होना, एक ही रिएक्शन है, लेकिन विंटर में कर रहे तो जल्दी नहीं हो रहा है क्योंकि ठंडी कंडीशन है, टेम्परेचर लो है, और वही रिएक्शन हम समर में कर रहे हैं, मतलब वही मिल्क का हम कर्ड में अगर कन्वर्शन करें तो समर में जल्दी हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। आगे देखें तो एक फैक्टर है टेम्परेचर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है वो हम इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो हमने देखा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन, इवन फॉर सेम रिएक्शन, एक ही रिएक्शन के लिए भी द सेम रिएक्शन ऑफर एट डिफरेंट रेट ऑन चेंजिंग कंडीशन। कंडीशन अगर चेंज हो जाती है तो एक ही रिएक्शन उसका रेट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके वजह से ये रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होता है, अफेक्ट है ना, उसके ऊपर असर होता है, ठीक है, चेंज होता है रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, तो चार पांच फैक्टर्स है जिसको मैं डिस्कस करने वाले। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर है ना, कौन कौन सी चीजें क्या है जिसके वजह से केमिकल रिएक्शन का रेट अफेक्ट हो सकता है। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द रिएक्टर, आगे ध्यान में। दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टन, जो भी रिएक्टेंट्स है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका साइज क्या है पार्टिकल्स का। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रही तब टेम्परेचर क्या है, ठीक है, उसी तरह से कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, मतलब इनके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है, आगे ध्यान में। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो पहला क्या है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर मतलब क्या होता है, जो भी रिएक्टेंट है किसी के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं तो ये जो रिएक्टेंट इनका नेचर कैसा, नेचर यानी रिएक्टिविटी कैसी है। अगर जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो क्या होगा, जल्दी रिएक्शन करेगा, और लेस रिएक्टिव है तो उसकी रिएक्शन धीरे धीरे होगी, आगे ध्यान में। तो नेचर डिपेंड है, नेचर कौन सा, रिएक्टिविटी वाला नेचर, या आगे ध्यान में, स्वभाव कैसा है उसका, गुण क्या है उसमें, उस रिएक्टेंट्स में, रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करने वालों क्या बोलते हैं, हम रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट अगर रिएक्टिव होंगे, मतलब उनका नेचर कैसा है, एकदम रिएक्टिव, जल्दी एक्शन कर लेते, जल्दी रिएक्शन कर लेते, तो रिएक्शन फास्ट होगी, और रिएक्शन ही नहीं कर रहे स्लो तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो समझ में आ गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जो भी पार्टिसिपेंट है, जो भी रिएक्टेंट है वो किस नेचर का है, रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। तो एग्जांपल देखेंगे, तो देखो नेचर और रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, तो किस तरह का है वो रिएक्टेंट, उसका नेचर क्या है, ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव है, इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, प्रभावित करता है। एग्जाम्पल ऑन रिएक्शन ऑफ बोथ एल्यूमिनियम, जो आपकी बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल, ठीक है, ऑन रिएक्शन ऑफ बोथ एल्यूमिनियम एंड जिंक विल डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और दो मेटल लिया हमने, एक लिया एल्यूमिनियम और दूसरा लिया जिंक, तो दोनों को, दोनों की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, मेटल अलग अलग लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही है, दोनों की रिएक्शन डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर रहे हैं। तो कौन ज्यादा रिएक्शन कर रहा है, कौन किसकी रिएक्शन फास्ट हो रही है, द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टेक्स प्लेस फास्टर, तो किसकी फास्ट हो रही है रिएक्शन, एल्यूमिनियम मेटल की, एज कंपेयर टू जिंक मेटल, एज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, आगे ध्यान में। तो एल्यूमिनियम को हमने डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, उसकी रिएक्शन किया, तो ये रिएक्शन हमें फास्ट हुई, किसके कंपेयर में, जब जिंक को हमने डाला था, ठीक है, तो जिंक की रिएक्शन स्लो हुई, एल्यूमिनियम की रिएक्शन जल्दी हो गई, आगे ध्यान में। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एल्यूमिनियम का नेचर क्या है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, जिंक से। तो समझ में आ गया किस तरह से नेचर ऑफ रिएक्टर इन्फ्लुएंस करता है। तो ये पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ रिएक्टर, ज्यादा रिएक्टिव मेटल एलिमेंट है या ज्यादा रिएक्टिव रिएक्टेंट है तो प्रोसेस फास्ट होगा, केमिकल रिएक्शन फास्ट होगी, और लेस रिएक्टिव है तो प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। अब रिएक्टिविटी क्या है, हम मेटलर्जी वाले चैप्टर में पढ़ने वाले, ठीक है, आगे के चैप्टर में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है दैट इज साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये नोट कर लेना आपको, ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से जो आपको बताया फैक्टर्स अफेक्टिंग, पांचों फैक्टर लिखना, वन बाय वन एक एक हम एक्सप्लेन करेंगे, तो नोट कर लेना सारी चीज। ठीक है, तो सेकंड है साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, पहला क्या था नेचर ऑफ रिएक्टेंट वो हमने देखा, अभी सेकंड फैक्टर है साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो किस तरह से साइज, अब रिएक्टेंट के जो पार्टिकल का साइज है वो भी, उसके ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, आपके डेली यूज में हम घर में जो यूज करते हैं, गुड़ सबने देखा, ठीक है, गुड़ को क्या होते हैं, पीसेस उसके बड़े बड़े होते हैं ना, गुड़ की भट्टी बोलते हैं आप, ठीक है, इतना होता है। अगर उसको आप
वैसा ही बड़ा का बड़ा चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी उबालते उसमें डालेंगे। अगर पूरा उसको डाल दो आप एक गंजी में और दूसरी गंजी में क्या करना है, उबालता हुआ पानी लेना है, उसमें वो जो गुड़ है उसको पूरा बारीक करके डालना, पाउडर करके डालना। मुझे बताओ कौन सा जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा? बारीक क्या हुआ, ठीक है। गुड़ सेम लेना, पहले एक जैसा का वैसा सग्गा का सग्गा हमने डाल दिया उसमें डिजॉल्व होने के लिए, उबलते पानी में चाय बनाते हो, और दूसरे को क्या किया हमने बारीक पाउडर करके उसको डाल, कौन सा पहले पकेगा? बारीक किया हुआ। इसका मतलब साइज ऑफ पार्टिकल, वो एक बड़ा साइज था तो उसको डिजॉल्व होने में टाइम लग गया, और जो हमने बारीक बारीक पार्टिकल में क्या, तो पट से डिजॉल्व हो गया आगे दिन में। तो साइज ऑफ, तो रिएक्शन में भी वही होता, तो केमिकल रिएक्शन में भी वही है, क्योंकि यहां रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन होना, रिएक्टेंट के बीच में ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होना, तो क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस उसका खुला होगा रिएक्शन करने के लिए उतनी जल्दी रिएक्शन हो, ठीक है। एक बंदा हुआ है, मान लो ये मेरे पास है, ठीक है, कुछ पीस है कुछ किसी चीज का, अगर इसको मैं, या आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया, टेक अ पीस एंड पाउडर ऑफ शाबर टाइल इन इक्वल वे, तो हमें इक्वल शाबर टाइल है, टाइल्स है ना हमारे घर में जो लगाते, ठीक है, तो वो शाबर टाइल्स के में क्या क्या लेना है, इक्वल वेट का पहले पीस ले लेना है, तो एक को पूरा पाउडर पाउडर करना, एक को वैसी पीस रखना। मान लो ये शाबादी टाइल की एक पीस है और दूसरा मैंने पाउडर ले लिया, अब हमें क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया इसको, एड 10 ml डाइल्यूट HCl इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, सग्गा टुकड़ा ले लिया उसका, पीस ले लिया टाइल का, और दूसरे में टाइल का क्या किया हमने, पाउडर किया, दोनों में 10 ml हमने क्या डाल दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, ठीक है। तो जो एफर्वेसेंस तैयार होते, ऑब्जर्व वेदर द एफर्वेसेंस ऑफ CO2 इज फॉर्म एट फास्टर रेट, तो जो पाउडर हमने डाला है वहां पर जो एफर्वेसेंस निकलेंगे वहां में ज्यादा फास्ट रिएक्शन होते दिखाई देगी, और जहां टाइल्स डाला हुआ है, जो पीस डाला हुआ है सग्गा, वहां पर प्रोसेस स्लो होगी। क्यों होगा, क्योंकि ये जो टाइल है देखो, इसका ये वाला सरफेस ओपन है, ये सरफेस ओपन है, ये ओपन है, इतना ही ओपन है, तो रिएक्शन ये सरफेस के ऊपर चालू होगी, लेकिन अंदर का जो सरफेस है, अंदर के जो पार्टिकल्स है, अभी तक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे आगे दिन में, तो एक्सपोज ही नहीं हो रहे वो रिएक्शन के लिए, जबकि हम इसको पूरा बारीक कर लेंगे तो अंदर के सारे पार्टिकल्स एक्सपोज हो जाएंगे, पूरा खुल जाएगा आगे दिन में, पूरे एक एक अंदर के पार्टिकल्स भी रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट कर लेंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना पार्टिकल का साइज छोटा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, स्मॉलर, इसलिए हमें द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के जो पार्टिकल का साइज है उसके ऊपर ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है, कैसे, स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल हायर द रेट ऑफ रिएक्शन, जितने स्मॉल पार्टिकल होंगे उतना जल्दी रिएक्शन होगा आगे देन में, क्योंकि जल्दी घुल जाएगा, जल्दी एक्सपोज हो जाएगा रिएक्शन करने के लिए आगे देन में। तो साइज ऑफ पार्टिकल क्या, इससे हमें क्या पता चला कि जितना स्मॉल साइज होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को ये अफेक्ट कर साइज, ठीक है। अब आएंगे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो थर्ड हमारा फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब जनरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कौन सा होता है, एसिड, ठीक है। तो एसिड, एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक डायलूट एसिड और एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो डायलूट मतलब, डायलूट का मतलब उसमें हम थोड़ा सा उसको डायलूट कर देते, उसकी एसिडिटी है वो हम कम कर देते, ठीक है। 9th क्लास में पढ़े हमने, तो जीरो होता है एसिड, स्ट्रांग एसिड होता है, और जो 7 pH स्केल होती है तो वीक एसिड होता है, ठीक है, मतलब उसका एसिडिक नेचर कम कम होते जाता है। तो डायलूट और कॉन्सेंट्रेशन में वही फर्क है, एकदम स्ट्रांग एसिड होता है अगर कॉन्सेंट्रेटेड बोले तो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा, और वही अगर डायलूट एसिड है तो क्या होगा, उसकी रिएक्शन थोड़ी स्लो, उतना फास्ट रिएक्शन नहीं करेगा। डायलूट करने के लिए हम जनरली डिस्टिल वाटर उसमें ऐड करते हैं, तो डायलूट हो जाता है, क्योंकि वाटर क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, उसका पीएच 7 point something आता है वाटर का, तो क्या करता है, एसिडिटी, एसिडिक नेचर को कम कर देता है उस एसिड का, तो स्ट्रांगनेस उसका कम हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब स्ट्रांग, ज्यादा एसिड स्ट्रांग है, और डायलूट मतलब थोड़ा वीक हो जाता है, तो जितना एसिड स्ट्रांग रहेगा उतनी एक्शन फास्ट होगी, और डायलूट रहेगा तो एक्शन कम होगी, मतलब रिएक्शन स्लो होगी। अब देखो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट फास्टर देन डायलूट एसिड,
which means that the rate of reaction is proportional to the concentration of reactant. तो reactant का कौन सा, अगर reactant में acid है तो acid का size के ऊपर भी rate of reaction depend होगा. जितना ज्यादा concentrated होगा उतना rate of reaction fast होगा. जितना acid dilute करते जाएंगे reaction slow होती जाएंगे. आगे चलने, so rate of reaction is affected by concentration of reactants. तो ये third factor हो गया, समझ में आया. उसके बाद में आता है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन. ऑलरेडी एक एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में देखे कि समर में मिल्क का कर्ड में कन्वर्शन जल्दी होता है, दूध का दही जल्दी बन जाता है, और विंटर में वही ज्यादा टाइम लेता है. तो टेम्परेचर, ठीक है, प्रोसेस जो हो रही है, रिएक्शन जो हो रही है, उस वक्त टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन. इसके साथ में और एक हमने एग्जाम्पल देखा, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी, ठीक है. और एग्जांपल देखा हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते वक्त, क्या देखा हमने कि वो जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया था टेस्ट ट्यूब में, उसको हीट किया हमने, और हीट करने के बाद क्या हुआ, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ. तो हीट करने के बाद हुआ मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने, हीट नहीं किया तो कुछ कन्वर्शन हुआ क्या, नहीं हुआ. आगे दिन में तो हीट टेम्परेचर की वजह से रिएक्शन हो रही है, समझ में आ रहा है. वैसे हमने शुगर का देखा, शुगर को हमने हीट किया तो शुगर को हीट करने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है. और टेम्परेचर इंक्रीज जैसे जैसे इंक्रीज हो, जितने हम हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने की वजह से उससे H2O निकल के कार्बन बन रहा है, रेसिड्यू बनता. तो इसका मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर नहीं देंगे, उसको हीट नहीं देंगे, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, जीरो. आगे दिन में जब टेस्ट ट्यूब में हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और इसी रखा, कुछ होगा उसका, रिएक्शन ही नहीं हो रही. जहां रिएक्शन नहीं वहां क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जीरो. और कुछ हो रही रिएक्शन तो हम बोलेंगे स्लो हो रही, फास्ट हो रही, तो उसको हीट करेंगे तो फिर वो रिएक्शन कैरी होगी. आगे ध्यान में तो किसके वजह से हो रहा है, वो टेम्परेचर की वजह से. आगे ध्यान में तो टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, टेम्परेचर भी असर करता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर. सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, तो कैसे अफेक्ट करता है, ज्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है, ठीक है. उसके बाद में लास्ट जो फिफ्थ फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, दैट इज कैटलिस्ट. अब कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट यहां डेफिनेशन में लिख के दिया हूं. कैटलिस्ट यानी एक ऐसा सब्सटेंस है जो जिसके प्रेजेंस की वजह से केमिकल रिएक्शन का रेट चेंज होता है, ठीक है. इसके प्रेजेंस की वजह से केमिकल रिएक्शन का रेट चेंज होता है, यानी स्लो अगर रिएक्शन नहीं हो पा रही तो वो फास्ट हो जाएगी, चेंज होगा उसका रेट. लेकिन वो जो सब्सटेंस है वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट. आगे दिन में वो उसमें खुद में कुछ चेंज नहीं होता, वो सिर्फ प्रेजेंस रहता है, उसके प्रेजेंस के वजह से केमिकल रिएक्शन अच्छी तरह होती है, उसका रेट चेंज होता है, लेकिन खुद वो किसी तरह से चेंज नहीं होता, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है. लेकिन वो अगर नहीं रहे केमिकल रिएक्शन में तो बराबर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, उसका रेट बराबर नहीं चलेगा. आगे ध्यान में द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसके प्रेजेंस में, यानी जिसके प्रेजेंस समझते हो ना, जिस जो होता है अवेलेबल होता है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस. तो ऐसा सब्सटेंस जिसके प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन का रेट चेंज होता है विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट, और वो सब्सटेंस को कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, वो जैसा का वैसा रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ उसके वजह से रिएक्शन अच्छे से होती है. तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट, तो उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं. समझ आ गया, अ सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी चेंज टू इट इज कॉल्ड कैटलिस्ट, तो उसे बोलेंगे हम कैटलिस्ट, ठीक है. अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते, तो आपको ये सारे नोट कर लेना, ठीक है. सभी फैक्टर्स मैंने वन बाय वन लिया है और उसका डिस्क्रिप्शन यहां दिया हुआ है, तो आपको ये नोट कर लेना है. कैटलिस्ट का एग्जाम्पल और रिएक्शन हम अभी देखेंगे, ठीक है. तो कैटलिस्ट की हमने डेफिनेशन देखा क्या होता है, तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस इन व्हिच इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, ठीक है, एंड इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, तो वो खुद चेंज नहीं होता. लेकिन देखो यहां तो एक रिएक्शन हम देते, ठीक है, एग्जांपल समझने के लिए. तो एक रिएक्शन है ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है KCl होती है. तो पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम हीट कर रहे तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, बोलते स्लो प्रोसेस है, डिकम्पोजेस स्लोली. तो उसका डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है, कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन, लेकिन स्लोली रिएक्शन है, बहुत स्लो. और रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन नाइदर इंक्रीजेस बाय रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज नॉर बाय इंक्रीजिंग द रिएक्शन टेम्परेचर. तो हमने देखा
कि पार्टिकल का साइज अगर हम छोटा कर देते तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है, या टेम्परेचर बढ़ा देते तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो सकता है। लेकिन ना तो पार्टिकल साइज कम करने से इसका रेट बढ़ रहा है, फास्ट हो रही है, और ना ही टेम्परेचर इंक्रीज करने से, दोनों का इसके ऊपर कोई असर नहीं है। लेकिन हाउएवर KCl(O3) दैट इज पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोजेस रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं, MnO2 के प्रेजेंस में करते हैं, तो रैपिडली डिकम्पोज होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, इंक्रीज हो जाता है। ये जो स्लो रिएक्शन है ये क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है आगे धन में। तो MnO2 खुद चेंज नहीं होता, लेकिन MnO2 के वजह से ये जो रिएक्शन है जो स्लो हो रही थी ये क्या हो रही, फास्ट हो रही है। तो इस तरह से MnO2 किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो कैटलिस्ट के वजह से भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। तो इस तरह से 5 फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते, कौन कौन से, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, पार्टिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। आगे देन तो इस तरह से नोट कर लो यहां तक के, बाकी हम कल पढ़ेंगे।